कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने फैमिली का भी ध्यान रखो, ठीक है? और घर के बाहर निकलना नहीं है। चलो, तो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट किया था। कल हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का पहला क्लास आया था, पहला वीडियो हमने मैंने अपलोड किया था, ठीक है? तो आई होप सबने होमवर्क किया होगा, राइट? और अगर होमवर्क नहीं किया है तो कैसे भी ये वीडियो देखने के पहले, क्लास टू देखने के पहले आपको वो होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है? अगर आपने वो क्लास वन नहीं देखा है और होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है तो आपको ये क्लास टू समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो अभी तुरंत पॉज करो, पहले होमवर्क कंप्लीट करो और फिर आप क्लास टू का वीडियो स्टार्ट करना, ठीक है? और मैंने बताया था कि आपके अगर कोई डाउट्स है तो आप YouTube के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर अपने WhatsApp ग्रुप पे पोस्ट करो, ठीक है? जो भी डाउट्स आएंगे मैं ट्राई करूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा, राइट? तो चलो, अभी क्लास टू में आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग क्लास वन में जो हमने किया था उसका रिविजन करेंगे, फटाफट क्विक रिविजन। फिर आपका होमवर्क का आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आप अपना आंसर वेरीफाई कर लेना, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं क्विक रिविजन। कल हमने स्टार्ट किया था मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है? मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग अंडर विच वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्शन एंड फिक्स कॉस्ट आर चार्ज टू कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? इसका सिंपल मतलब होता है मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। इसमें हम टोटल कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को सेल्स को चार्ज किया जाता है, मतलब सेल्स में से माइनस किया जाता है। एंड फिक्स कॉस्ट को हम राइट ऑफ करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन में से, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं, ठीक है? तो आपको ये एक स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना है, इसको हम मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है? आई रिपीट, मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। मोस्टली मोस्टली जब भी हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं ना तो हम लोग इस तरीके से करते हैं, राइट? हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, प्रॉफिट आता है, ठीक है? चल, फिर हमने देखा था मार्जिनल कॉस्ट यानी क्या है। मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में ये मैंने चार्ट बताया था कल। टोटल कॉस्ट को हम आइडेंटिफाइबिलिटी वाइज क्लासिफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर। डायरेक्ट कॉस्ट जो होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट में कुछ वेरिएबल होता है और कुछ फिक्स्ड होता है, राइट? जब भी हमको वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल्स देखने हैं, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉस्ट वेरिएबल है और कौन सा फिक्स्ड है, तो डायरेक्ट कॉस्ट देख लेना, सारे डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल रहेंगे, ठीक है? और अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट है यानी ओवरहेड्स है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर वो वेरिएबल है तो फिर आप वेरिएबल में ले लो, ठीक है? चल, फिर हमने कॉन्ट्रीब्यूशन देखा था। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है? थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है? चल, तो अब कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करना, तो कल हमने कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के कुछ फॉर्मूले देखे थे, फटाफट मैं रिवाइज कराता हूं। देखो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, या उल्टा भी आप जा सकते हो, फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर लो तब भी कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसमें और एक चीज याद रखना। सपोज, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं। मान लो फिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन 40,000 आया और फिक्स कॉस्ट 50,000 है, तो हमारा 10,000 का लॉस होने वाला है, राइट? तो अब बताओ, यहां पे अगर प्रॉफिट के जगह पर लॉस है, प्रॉफिट के जगह पे लॉस है, तो फिर आप कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, राइट? तो देखो, बहुत सिंपल है। अगर लॉस आ रहा है तो आप फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस कर लेना, प्रॉफिट आ रहा है तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, लॉस आता है तो फिक्स कॉस्ट में से लॉस माइनस कर देना, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, ठीक है? और देखो, ये हमारी जो सारी इक्वेशन है, क्या जो हमने इक्वेशन देखे थे कल, ये वाला इक्वेशन, ये भी इक्वेशन ध्यान में रखो। अगर लॉस आ रहा है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। प्रॉफिट है तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, लॉस है तो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, राइट? चल, तो कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले देख रहे हैं हम लोग। कंट्रीब्यूशन यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। और थर्ड देखा था हमने, सेल्स इनटू
पीवीआर करके भी कंट्रीब्यूशन आ सकता है। और मैंने कल बताया था पीवीआर सेल्स इनटू पीवीआर कब करना, जब सेल्स रुपीज में है, व्हेनेवर सेल्स इज इन रुपी मतलब वैल्यू में है तो आप पीवीआर से मल्टीप्लाई करो, राइट। लेकिन अगर सेल्स यूनिट्स में है, यूनिट्स में क्वांटिटी में है, तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। फिर से एक बार रिपीट करो मेरे साथ, सेल्स अगर रुपीज में है तो पीवीआर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेल्स अगर यूनिट्स में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। हमको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कल भी जो हमने ये ट्री बनाया था, देखो इसमें भी हमने वैसे ही किया था, सेल्स रुपीज में है तो पीवीआर से मल्टीप्लाई, सेल्स यूनिट्स है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां पर भी वैसे ही किया था, यहां पर भी वैसे किया था। अब कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे लाना, तो जैसे हम लोग टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं वैसे ही कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है। सिर्फ इतना है कि सेल्स टोटल की जगह पर यूनिट लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट टोटल नहीं माइनस करके पर यूनिट माइनस कर लेंगे। मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके ही कंट्रीब्यूशन आने वाला है, सिर्फ टोटल की जगह हम लोग सेल्स पर यूनिट में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। चलो ये हमने कॉन्ट्रीब्यूशन देखा था, फिर पीवीआर कैसे फाइंड करना देखा था, पीवीआर इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, राइट। और कल मैंने बताया था पीवीआर आप टोटल वैल्यू लेकर भी कर सकते हो और पर यूनिट लेकर भी कर सकते हो, ठीक है। देखो हमने यहां पर किया था पीवीआर इज इक्वल टू टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 40,000 अपॉन टोटल सेल्स 1 लाख इंटू 100, 40% आया था। या फिर आप कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 10 इंटू 100 करो, तब भी वो 40% ही आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हमने बीईपी से भी पीवीआर कैसे निकालना वो देखा था, राइट। मैंने आपको सारे फॉर्मूलेज एक जगह लिखने के लिए भी होमवर्क दिया था, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो फिर से मैं बोल रहा हूं, वीडियो पॉज करो, पहले होमवर्क कंप्लीट करो, राइट। चलो पीवीआर का तीसरा फॉर्मूला बता रहा हूं, वापस एक बार देखना। पीवीआर का फर्स्ट फॉर्मूला टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इंटू 100, सेकेंड फॉर्मूला पीवीआर इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट इंटू 100, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला, अगर आप बीपी का इक्वेशन देखो तो बीपी के इक्वेशन से भी, ये अपना बीपी का इक्वेशन है, बीपी के इक्वेशन से भी पीवीआर आ सकता है। मैथमेटिकली सोचना, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर लो ब्रेक इवन पॉइंट से, पीवीआर मिल जाएगा। चौथा फॉर्मूला, एमओएस के इक्वेशन से भी कर सकते हैं, प्रॉफिट को एमओएस से डिवाइड करो तब भी पीवीआर हमको मिल जाएगा, राइट। तो पीवीआर हमने देख लिया। चलो पीवीआर का पर्पस क्या है, तो देखो पीवीआर के बहुत सारे यूज है जो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे बड़ा पीवीआर का जो पर्पस है वो है कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना। किसी भी सेल्स को, किसी भी डैम सेल्स को आप पीवीआर से मल्टीप्लाई कर लो, आपको वो सेल्स का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, राइट। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या मिलेगा, वो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आपको मिल जाएगी, राइट। चल फिर हमने पीवीआर कैसे फाइंड करना उसका इलस्ट्रेशन देखा था। फिर हमने तीन इक्वेशंस बनाए थे, एक टोटल सेल्स का इक्वेशन बनाया था, सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेल्स रुपीज में है तो, और सेल्स अगर यूनिट्स में है तो सेल्स यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। लेफ्ट हैंड साइड भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट हैंड साइड भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर हमने सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, बीईपी और एमओएस, राइट। बीपी का अगर इक्वेशन बनाते हैं तो देखो सेम इक्वेशन हम यूज करते हैं, सिंपली पी हटा देते हैं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है सेल्स एट विच देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। आई रिपीट, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ सेल्स एट विच देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अब प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है ना, तो पी लिखेंगे जी नहीं ना हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट लिखेंगे। तो अपना इक्वेशन कैसे बनेगा, बीपी सेल्स रुपीज में है तो पीवीआर से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, और बीपी सेल्स अगर यूनिट्स में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, राइट। फिर बीपी के बाद का जो सेल होता है, राइट, रिमेनिंग सेल्स, बीपी के आगे का जो रिमेनिंग सेल्स है उसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। कल मैंने एग्जाम्पल लिया था, मान लो टोटल सेल्स 10 लाख है और ब्रेक इवन पॉइंट आया 8 लाख, तो टोटल 10 लाख में से 8 लाख माइनस करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा 2 लाख रुपीस, राइट। चल अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी में
फिक्स कॉस्ट नहीं होने वाला है क्योंकि फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे रिकवर हो गया। पूरा साल भर का फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे रिकवर हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट फिर से आएगा नहीं, तो सिर्फ क्या रहने वाला है, प्रॉफिट रहने वाला है। राइट, टोटल सेल्स वाली इक्वेशन में राइट साइड में फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों रहेगा। बीईपी के इक्वेशन में राइट साइड में सिर्फ फिक्स कॉस्ट, एमओएस के इक्वेशन में राइट साइड में सिर्फ प्रॉफिट। ठीक है, तो एमओएस सेल्स इंटू पीवीआर करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेल्स रुपीज में होना चाहिए, और एमओएस सेल्स अगर यूनिट्स में है तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो, प्रॉफिट मिल जाएगा। राइट, फिर हमने ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 इक्वेशंस के इलस्ट्रेशन देखे थे आंसर्स के साथ। राइट, चल तो इतना हमने कल किया था, अब आगे बढ़ते हैं। कल मैंने एक होमवर्क दिया था सारे फॉर्मूले एक जगह लिखने का, तो आप क्या करो, आपके रजिस्टर में एक 2 से 3 पेज अलग से छोड़ दो, सेपरेटली छोड़ दो। राइट, वहां पे सिर्फ फॉर्मूले और जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है वो मैं आपको वहां पे लिखा दूंगा। ठीक है, चलो चेक करना, कल मैंने आपको पहला होमवर्क दिया था फॉर्मूले फाइंड करना, आपके रजिस्टर में चेक करो ये सारा जो मैंने यहाँ पे, मैंने भी आपके लिए होमवर्क करके रखा है। ठीक है, ये मेरा होमवर्क है, चेक करो आपका होमवर्क मेरा होमवर्क सेम है क्या। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के हमने इतने फॉर्मूले कल देखे थे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे। इसमें और एक चीज ध्यान में रखो, अगर लॉस है फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेल्स रुपीज में है तो इंटू पीवीआर, सेल्स यूनिट्स में है तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे फॉर्मूले से कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। राइट, चलो पीवीआर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट इनटू 100। देखो दोनों फॉर्मूले सेम है, खाली यहाँ पे हमने टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल सेल लिया है, यहाँ पे हम पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर बीईपी के फॉर्मूले से भी पीवीआर आ सकता है, बीईपी के इक्वेशन से। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बीईपी का इक्वेशन है, यहाँ से भी पीवीआर निकाल सकते हैं ना हम लोग, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीईपी करके। चलो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीईपी, और एमओएस के इक्वेशन से भी आ सकता है, प्रॉफिट अपॉन एमओएस इनटू 100। राइट, चल उसके बाद फिर देखो वही बीईपी कैसे फाइंड करना मैंने बताया, देखो कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं देखो वही आपने खाली अगर ये 6 इक्वेशन याद रख लिए ना, 6 भी नहीं, इसको 3 ही इक्वेशन बोलो। राइट, 3 इक्वेशन आपने याद रख लिए ना, तो आपको पीवीआर निकालना है तो पीवीआर निकाल सकते हैं, बीईपी निकालना है बीईपी निकालो, एमओएस फाइंड करना है एमओएस फाइंड करना, जो भी फाइंड करना है आप ये 3 इक्वेशन से कर सकते हो। राइट, अब देखो यहीं से अगर मुझे बीईपी फाइंड आउट करना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, बीईपी अगर यूनिट्स में लाना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एमओएस का अमाउंट लाना है रुपीज में तो प्रॉफिट अपॉन पीवीआर करो, एमओएस यूनिट्स में लाना है तो प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करो। राइट, तो चलो मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि ये हमने कल किया है। हाँ? चलो फिर उसके बाद बीपी यूनिट्स, हाँ बीपी अमाउंट के लिए फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर। अच्छा, बीपी का और एक फॉर्मूला भी हो सकता है कि आप टोटल सेल्स रुपीज में से एमओएस माइनस कर लो ना, ये अपना इक्वेशन ध्यान में रखो, टोटल सेल्स में से एमओएस माइनस कर दिया तो बीपी मिल सकता है। ठीक है, चल उसके बाद बीपी यूनिट्स फाइंड करना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ऐसा भी कर सकते हैं टोटल सेल्स यूनिट्स में से एमओएस सेल के यूनिट्स माइनस कर लो। ठीक है, फिर एमओएस फाइंड करना है, वही देखो फॉर्मूला अपन ने ऊपर देखा था, प्रॉफिट अपॉन पीवीआर करो अमाउंट लाने के लिए। ठीक है, अमाउंट लाने के लिए, या फिर आप टोटल सेल्स में से बीपी की अमाउंट भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, एमओएस मिल जाएगा, एमओएस यूनिट्स में फाइंड करना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपीयू, सीपीयू मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर टोटल सेल्स यूनिट्स में से मतलब टोटल सेल्स की क्वांटिटी में से बीईपी की क्वांटिटी माइनस करो तो आपको एमओएस की यूनिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं होमवर्क देखते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहां पे हम लोग इसके आंसर्स करेंगे। राइट, हाँ तो एकदम ध्यान से देखना, आपके आंसर्स को मेरे आंसर के साथ वेरीफाई करो।
अगर आपने होमवर्क नहीं किया है तो मैं वहां आके मारूंगा आपको, ठीक है। अभी आपको पॉज करना है वीडियो, पहले होमवर्क कंप्लीट करना है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है हमको, राइट। थोड़ा मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर देंगे, आगे चलेंगे, 2-3 लेक्चर के बाद आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करना है, ठीक है। हाँ, होमवर्क पहले कंप्लीट करो और फिर आप ये आपके आंसर मेरे आंसर के साथ मैच करना। चल, केस नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। ये समझो कि ये 7 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, एग्जाम में ये एक क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, राइट। ये 7 डिफरेंट क्वेश्चन है, ये समझना। केस नंबर 1 देखो, सेल्स दिया है 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 6 लाख। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 4 लाख रुपीज, राइट। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, एल एल फॉर लैक्स, राइट। आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग पूरा अमाउंट लिखना। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो कंट्रीब्यूशन आ गया 4 लाख, राइट। अब पीवीआर फाइंड आउट कर सकते हैं ना हम लोग, पीवीआर का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग डायरेक्टली आंसर नहीं लिखेंगे, आप लोग उसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे, राइट। मैं आपको एक केस सॉल्व करके बताता हूँ, इसको आपने इस तरीके से आपके रजिस्टर में करना है। केस नंबर 1, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सेल्स सेल्स है 10 लाख, माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 6 लाख। कॉन्ट्रीब्यूशन इज 4 लाख, राइट। उसके बाद सेकेंड पीवीआर फाइंड करना है, तो पीवीआर इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन है बोलो 4 लाख, सेल्स है 10 लाख इंटू 100, राइट। 40% आ जाएगा, आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। चलो, पीवीआर आ गया, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, ठीक। मैं आपको एक और एक ट्रिक बताता हूं, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, आंसर स्टार्ट करो मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट से, सेल्स बताओ 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख माइनस करो, कंट्रीब्यूशन आ गया 4 लाख, ठीक है, और उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करो। देखो फिक्स कॉस्ट कितनी है अपनी, फिक्स कॉस्ट 3 लाख है, फिक्स कॉस्ट 3 लाख माइनस करेंगे तो 4 लाख में से 3 लाख गया, 1 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। तो आंसर ऐसे स्टार्ट करने से 2 बेनिफिट है, एक तो कंट्रीब्यूशन अलग से फाइंड नहीं करना पड़ेगा वो मिल जाएगा, प्रॉफिट अलग से फाइंड नहीं करना पड़ेगा प्रॉफिट भी मिल जाएगा, मतलब 2 चीजें आपको रेडीली मिल जाएगी बिना फाइंड किए, ठीक है। और रेकमेंडेड भी है कि आप इनकम स्टेटमेंट से स्टार्ट करो। चलो, तो प्रॉफिट, चलो अब मैंने तो बनाया नहीं है इनकम स्टेटमेंट, अब मैं प्रॉफिट कैसे फाइंड करूँ, तो आपको प्रॉफिट फाइंड करना है। तो देखो अपना इक्वेशन क्या देखा था हमने, सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। तो सेल्स है हमारा 10 लाख, ठीक है, इंटू 40% पीवीआर, फिक्स कॉस्ट है 3 लाख, प्लस पी लिख लेंगे, पी मतलब प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है, राइट। तो 10 लाख इंटू 40% किया तो 4 लाख कंट्रीब्यूशन आ गया, 4 लाख में से 3 लाख माइनस करो तो पी यानी प्रॉफिट 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट लाने का और एक तरीका क्या हो गया, देखो प्रॉफिट लाने का एक तरीका इनकम स्टेटमेंट बनाकर भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट 1 लाख आ जाएगा। प्रॉफिट निकालने का सेकेंड तरीका मैंने बताया, ये अपना इक्वेशन यूज करके, राइट। अब थोड़ा सा ना और वीडियो पॉज करो और थोड़ा सा और थॉट दो कि प्रॉफिट हम लोग और कैसे निकाल सकते हैं। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग की ये खासियत है कि
एक क्वेश्चन के आंसर 10 तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, नहीं, आपको अपना फॉर्मूला यूज करना है, आपको अपनी टेक्निक यूज करनी है, आप अपनी टेक्निक यूज करो, राइट। द थिंग इज दैट कि आंसर शुड बी सेम, ठीक है। चलो तो प्रॉफिट आ गया अपना। अब बीईपी फाइंड करना है, तो बीईपी के लिए बीपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना, 3 लाख था। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे पीवीआर 40% से, राइट। तो 3 लाख को 40% से डिवाइड करेंगे तो 7 लाख, 7 लाख 50,000 आ जाएगा रुपीस, राइट। चल फिर एमओएस फाइंड आउट करना है, एमओएस फाइंड करने के लिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर करेंगे, तो प्रॉफिट कितना, 1 लाख आया था ना, 1 लाख को डिवाइड करेंगे 40% से, राइट। दिस शुड कम टू 2 लाख रुपीज, 2 लाख 50,000, सॉरी 2 लाख 50,000 आना चाहिए, राइट। एमआईएस फाइंड करने का और एक तरीका क्या हो सकता है, तो टोटल सेल्स 10 लाख में से ब्रेक इवन पॉइंट आप माइनस कर लो, टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट माइनस करेंगे तो आपको एमओएस मिल जाएगा, राइट। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, और अल्टरनेट आंसर एमओएस इज इक्वल टू टोटल सेल्स लेस बीपी, तो टोटल सेल्स इज 10 लाख, लेस बीपी आया था 7,50,000, तो एमओएस आ जाएगा 2 लाख। तो मैंने दोनों से आपको बता दिया, राइट। अब यहां पे ये बीपी हमने कौन सा फाइंड किया है, बीपी रुपीज में फाइंड किया है, ठीक है, बीपी इन रुपीज, और एमओएस भी हमने रुपीज में फाइंड किया है। जब भी आप पीवीआर यूज करेंगे, जहां पर भी पीवीआर यूज करेंगे ना, आपको अमाउंट ही मिलने वाला है, और जहां आप कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट यूज करेंगे तो आपको यूनिट्स मिल जाएगा, ठीक है, ये यूनिट्स में मिलेगा, राइट। चल तो अपना केस नंबर 1 कंप्लीट हुआ, तो पीवीआर आया 40%, प्रॉफिट आया 1 लाख, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, 1 लाख, और बीपी आया 7.5 लाख रुपीस, और एमओएस आया 2.5 लाख रुपीस, राइट। आपको इस तरीके से शॉर्ट में नहीं करना है, आपको जैसा मैंने ये केस नंबर 1 बताया ऐसे करना है, ठीक है। चलो केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में सेल्स 5 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना है, कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है, पीवीआर फाइंड करना है, फिक्स कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है, बीपी फाइंड करना है, एमओएस फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट ये दोनों सुनकर आपके माइंड में इमीडिएटली आना चाहिए, अरे हाँ ये तो कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है ना। कॉन्ट्रीब्यूशन के हमने 4 फॉर्मूले देखे, उसमें ये एक फॉर्मूला था ना, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। तो आपके आंसर में आपको ऐसे लिखना है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, पहले फॉर्मूला लिखना, फिर उसमें अमाउंट डाल के आंसर लाना, राइट। तो चलो कॉन्ट्रीब्यूशन अपना 1,50,000 आ गया रुपीज में, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 करेंगे तो पीवीआर आ जाएगा, राइट। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो 30% आता है क्या, देख लो, राइट, 30% आना चाहिए। ठीक है, चल उसके बाद कंट्रीब्यू, ये पीवीआर मिल गया हमको। अब हम बीईपी फाइंड कर सकते हैं ना, बीईपी का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, राइट। 1 लाख को 30% से डिवाइड करो, 1 लाख डिवाइडेड बाय 30%, राइट, ये आना चाहिए 3,33,330 रुपीज,
उसके बाद एमओएस फाइंड करना है, तो एमओएस फाइंड करने के लिए प्रॉफिट अपॉन पीवीआर भी कर सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर, या फिर टोटल सेल्स 5 लाख में से ब्रेक इवन पॉइंट माइनस कर लो। 5 लाख में से 3,33,333 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,66,667, ठीक है, राउंड करके। केस नंबर थ्री, सेल्स 1 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 30% है। याद करो अपना कल वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन, पीवीआर वाला इलस्ट्रेशन, ये राइट मैंने बताया था, वेरिएबल कॉस्ट अगर 30% ऑफ सेल है तो पीवीआर रहेगा उसका रिमेनिंग परसेंटेज, रिमेनिंग मतलब 100 में से 30% माइनस करने के बाद, यहाँ पे 70% आया था। अगर वेरिएबल कॉस्ट 20% ऑफ सेल्स है, पीवीआर विल बी 80% ऑफ सेल्स, राइट, रिमेनिंग। ये वेरिएबल कॉस्ट वीसीआर और पीवीआर इज इक्वल टू 100 होता है हमेशा, ये हमको याद रखना है, कल मैंने बताया था, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं यहां पर नोट डालकर, पीवीआर के अंदर मैं आपको एक नोट डालकर लिख लेता हूँ, राइट। ये दो या तीन क्लास के बाद ये पीडीएफ फाइल मैं आपको दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नोट PVR प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 100%, पढ़ते हैं। हाँ, तो 30% आ गया, 30% वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, 30% वेरिएबल कॉस्ट दिया है, तो PVR विल बी 70%, राइट। आपके रजिस्टर में कैसे लिखना, PVR इज इक्वल टू 100% माइनस 30%, ठीक है, तो आपको 70% PVR मिल जाएगा। उसके बाद फिक्स कॉस्ट दिया है 40,000, है ना। अब फिक्स कॉस्ट है तो फिर आप ये BEP और MOS फाइंड कर सकते हो ना बहुत इजीली, तो पहले BEP फाइंड कर लो, राइट। तो BEP कैसे फाइंड करेंगे बोलो, फिक्स कॉस्ट अपॉन PVR, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 70%, BEP आ जाएगा 57,143, राउंड करके 57,143, ठीक है। उसके बाद MOS फाइंड करना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PVR कर सकते हैं, पर प्रॉफिट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकेंड फॉर्मूला यूज कर लो, सेल्स में से BEP माइनस कर लो। सेल्स कितना, 1 लाख है, 42,857, 42,857, ये अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया, ये पूरा रुपीज में है। अब कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है और प्रॉफिट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सोचो, कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है तो देखो डायरेक्टली ऐसे कर सकते कि अपना कंट्रीब्यूशन के अपन ने चार फॉर्मूले देखे, तो सेल्स इनटू पीवीआर भी तो कर सकते ना, ठीक है। तो लिखो यहां पर आंसर में, सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, 70,000 कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, सेल्स इनटू पीवीआर, राइट। आपके रजिस्टर में पूरा फॉर्मूला लिखो अच्छे से, सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और फिर 1 लाख इनटू 70% इज इक्वल टू 70,000, ठीक है, ऐसा लिखो। अब प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, देखो बहुत सारे तरीके हैं। सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये इक्वेशन यूज करके भी प्रॉफिट ला सकते हैं। नंबर टू, एमओएस है मेरे पास, एमओएस इनटू पीवीआर करके भी आप प्रॉफिट ला सकते हो, तो ये दो फॉर्मूले हो गए प्रॉफिट लाने के, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट अगर आपने बना लिया तब भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप दो तीन तरीके यूज करके चेक करो, आंसर सबसे सेम आना चाहिए, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला एग्जाम में यूज करना, तो देखो जो करेक्शन करने वाला है पर्सन, जो एग्जामिनर है, उसको इसका पूरा नॉलेज होगा, आई होप सो, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलो, तो मैं एमओएस इनटू पीवीआर कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। 42,857 एमओएस इनटू पीवीआर इज
कितना 70%, PVR इज 70%, तो ये आता है 29,900 में 30,000 आता है, ठीक है। तो प्रॉफिट आ गया 30,000, राइट। एक बार वो सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी चेक कर लो। सेल्स 1 लाख इनटू पीवीआर 70% करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा 70,000, 70,000 में से फिक्स कॉस्ट 40,000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। केस नंबर फोर, केस नंबर फोर में फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दिया है तो इमीडिएटली आपके माइंड में आना चाहिए ये तो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, तो दोनों प्लस कर लो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन पहले लिख लेते हैं, आपके रजिस्टर में सॉल्व करना, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। 2 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, चलो अब कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया। अच्छा बीपी एमओएस ला सकते ना, है ना, बहुत इजी ला सकते हैं। फिक्स कॉस्ट तो है और पीवीआर भी है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर करो, 1 लाख डिवाइडेड बाय 50% करेंगे 2 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। फिर प्रॉफिट भी 1 लाख है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर करेंगे तो एमओएस आ जाएगा, ये भी 2 लाख आएगा, ठीक है। अच्छा मैंने बताया था ना टोटल सेल्स इज इक्वल टू बीईपी प्लस एमओएस ना, ठीक है। तो इसको भी मैं यहां पे डाल देता हूं इंपॉर्टेंट नोट के अंदर, यहीं पे डाल देता हूं, टोटल सेल्स इज इक्वल टू बीपी प्लस एमओएस, ठीक है। चलो तो बीपी और एमओएस दोनों प्लस करेंगे 4 लाख सेल्स आ जाएगा, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना है, बहुत तरीके हैं वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने के, ठीक है। देखो एक तो आप ऐसे कर सकते हो, पीवीआर 50% है तो वीसीआर मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो वो भी रिमेनिंग 50% रहेगा। 50% किसका? 50% सेल्स का, राइट। 50% ऑफ 4 लाख अगर कर लेंगे 2 लाख हमको वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख लाना है ना, तो आप देखो ऐसा भी कर सकते हो, इक्वेशन अपना ये इनकम स्टेटमेंट बना लो, ठीक है। तो इससे भी हम लोग कर सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट से भी सेल्स दिखाओ, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का भी अमाउंट डैश डाल दो, कंट्रीब्यूशन है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट भी है प्रॉफिट भी है, राइट। अब सेल्स में से कंट्रीब्यूशन अगर माइनस करेंगे तो वो भी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर सकते हैं, सेल्स अपना 4 लाख था और कंट्रीब्यूशन 2 लाख था, तो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन करेंगे तो भी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। चल नंबर 5, नंबर 5 में प्रॉफिट है 1 लाख और पीवीआर है 40%, ठीक है। तो एमओएस ला सकते हैं ना हम लोग, एमओएस का फॉर्मूला क्या है सोचो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर, तो 1 लाख को 40% से डिवाइड करो, 1 लाख डिवाइडेड बाय 40%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 2,50,000, राइट। और बीपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों को प्लस करने पर टोटल सेल्स आ जाएगा, तो टोटल सेल्स आ गया हमारा 7,50,000, ठीक है। चल अब क्या फाइंड करना है बाकी का देख लो, फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो फिक्स कॉस्ट का अपना इक्वेशन याद रखो, फिक्स कॉस्ट का इक्वेशन बीपी का इक्वेशन, बीपी इंटू पीवीआर करेंगे तो फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ आंसर में, तो बीपी हमारे पास है 5 लाख, 5 लाख का 40%, राइट। शॉर्टकट्स यूज नहीं करना, आपके रजिस्टर में जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे फॉर्मूला लिखो, कैसे, बीपी इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट,
फिर 5 लाख × 40% इज इक्वल टू 2 लाख। 5 लाख का 40% 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट मिल गया। चल अब वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना है, कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है। कंट्रीब्यूशन का तो अपना फॉर्मूला है ना, सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सेल्स इनटू पीवीआर करो, 7,50,000 का 40% ये आना चाहिए 3 लाख रुपीज, ठीक है। 3 लाख रुपीज। अच्छा, कंट्रीब्यूशन लाने का और एक तरीका, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी तो कर सकते ना, तो 2 लाख + 1 लाख करेंगे तो भी 3 लाख आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो जहां जहां 2-3 फॉर्मूले है कोई एखादा वेरिएबल फाइंड करने के, तो आपके रजिस्टर में वो 2-3 तरीके से करो। जैसा मैंने कंट्रीब्यूशन बताया, सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये भी लिखो और डालकर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐसे भी लिखो, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के लिए 7,50,000 सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस कर लेंगे 3 लाख, तो 4,50,000 वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट का और एक तरीका, पीवीआर 40% है तो वीसीआर विल बी 60%। 60% किसका? 7,50,000 का सेल्स का। देखो जो भी परसेंटेज होते हैं ना मार्जिनल कॉस्टिंग में, मैं रिपीट कर रहा हूं आपको ध्यान से सुनना है, मार्जिनल कॉस्टिंग में जो भी परसेंटेज होते हैं राइट, वो सारे परसेंटेज ऑन टोटल सेल्स होते हैं, ऑन टोटल सेल्स राइट। तो ये पीवीआर का भी जो परसेंटेज है ना वो ऑन सेल्स है, ठीक है। अब 40% 100 में से अगर मैंने 40 माइनस कर दिया तो 60% आ गया वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो, 60% सेल्स का ले लो तो 4,50,000 मिल जाएगा, ठीक है। चल नंबर 6, नंबर 6 में फिक्स कॉस्ट है और पीवीआर है तो बीईपी आ जाएगा ना, तो बीईपी पहले फाइंड कर लो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर करके, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 30%, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 1,50,000। ब्रेक इवन पॉइंट और एमओएस दोनों प्लस कर लो, टोटल सेल्स आ जाएगा 2,50,000, ठीक है। चलो अब तो बहुत सिंपल सिंपल हो गया होगा ना, आप फटाफट कर रहे होंगे यार, थोड़ी स्पीड बढ़ेगी नहीं? हाँ हाँ, बढ़ना चाहिए स्पीड अभी यहाँ पे। चलो तो देखो इसको मैं पूरा अमाउंट कर देता हूँ ना, ठीक है। चलो प्रॉब्लम नहीं। हाँ, प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट देखो, जब भी आपको प्रॉफिट फाइंड करना है ना, आपके माइंड में तुरंत आना ये दो इक्वेशन, टोटल सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एमओएस इनटू पीवीआर इज इक्वल टू प्रॉफिट राइट। ये दोनों में से कोई भी एक टेक्निक आप यूज कर सकते हो, या फिर अपना मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट बनाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एमओएस इनटू पीवीआर प्रिफर करता हूँ। हाँ तो देखो कहाँ गया ये एमओएस, 1 लाख, 1 लाख का 30% करो तो 30,000 प्रॉफिट आ गया। आपके रजिस्टर में कैसे लिखेंगे? आपके रजिस्टर में लिखो एमओएस इनटू पीवीआर इज इक्वल टू प्रॉफिट, फिर उसमें वैल्यूज पुट अप करो और आंसर दिखाओ 30,000, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन लाना है तो सेल्स इनटू पीवीआर, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2,50,000 का 30% राइट, तो 75,000 आता है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना है तो सेल्स में से कंट्रीब्यूशन लेस कर लो, ठीक है। तो 2,50,000 में से 75,000 लेस किया तो ये आना चाहिए 1,75,000 राइट। आई होप आर यू गेटिंग इट। चलो अच्छा, और एक तरीका क्या है वेरिएबल कॉस्ट लाने का, तो पीवीआर 30% है सेल्स का, वेरिएबल कॉस्ट 70% है सेल्स का, तो 2,50,000 का 70% कैलकुलेट करके देखो 1,75,000 वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। चलो लास्ट केस, बीपी और एमओएस दिया हुआ है और पीवीआर दिया, अरे वाह राइट। देखो बीपी एमओएस दोनों प्लस कर लो तो टोटल सेल्स आ गया
1,50,000, ठीक है। अब डीपी और पीवीआर भी दिया हुआ है, वेरी गुड। डीपी इंटू पीवीआर करेंगे तो फिक्स कॉस्ट मिलेगा, बीपी इंटू पीवीआर। बीपी का इक्वेशन देख लेना, 1,00,000 का 20% करो, 20,000 फिक्स कॉस्ट आ गया, ठीक है। और एमओएस इंटू पीवीआर करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% करो तो 10,000 इज प्रॉफिट। अब तो सिंपल हो गया ना, ये तो आपको आ जाएगा फटाफट, राइट। देखो सेल्स इंटू पीवीआर करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो 1,50,000 का 20% निकालो, 30,000 इज कंट्रीब्यूशन। और सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 1,20,000, राइट। तो आई होप आपके सारे आंसर्स मेरे आंसर के साथ मैच हुए होंगे। अगर मैच नहीं हुए हैं तो आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो, और अगर मेरी कोई मिस्टेक है तो ये आप बताओ, राइट। क्योंकि मैं बस फटाफट कर रहा हूँ, हाँ डायरेक्टली कर रहा हूँ तो हो सकता है कि, और टाइपिंग कर रहा हूँ तो हो सकता है कि आगे पीछे कुछ जीरो वीरो आगे पीछे हो जाए, राइट। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक अपना हुआ था कल, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट हमने कल देखा था, ठीक है। तो फटाफट, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ सेल्स एट विच देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। ये एक तरीका है ब्रेक इवन पॉइंट समझने का। दूसरा तरीका है, ब्रेक इवन पॉइंट उस सेल्स को बोलते हैं जिस सेल पे हमारा टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाता है। और टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाता है मतलब ये होता है कि टोटल कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स दोनों है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट कौन सा रिकवर होगा? वेरिएबल कॉस्ट उतना ही रिकवर होगा जितना ब्रेक इवन पॉइंट का सेल है, लेकिन फिक्स कॉस्ट कंप्लीट ईयर का रिकवर हो जाएगा, पूरे साल का फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, ठीक है। उसके हमने फॉर्मूले भी देखे, बीपी अमाउंट में लाना है तो फिक्स कॉस्ट बाय पीवीआर, बीपी यूनिट्स में लाना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। अब उसमें और एक फॉर्मूला है, वो हम लोग आगे देखेंगे, अभी उसको इग्नोर करो। चल तो देखो, एक बार हम लोग एमओएस वगैरह देख लेते हैं और फिर ये चार्ट पे आते हैं। एमओएस हमने कल देखा था, एमओएस इज एक्सेस ऑफ टोटल सेल्स ओवर बीपी सेल्स, एक्सेस ऑफ टोटल सेल्स ओवर बीपी सेल्स। इसका मतलब बीपी के आगे का जो भी सेल्स रहेगा उसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। अब इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों कहा जाता है ये सोचो, राइट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि मान लो, जैसे मैं एक बार आपको ये एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो सपोज टोटल सेल्स हमारा 10 लाख है और ब्रेक इवन पॉइंट 8 लाख है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2 लाख आया, राइट। अब देखो क्या होगा, 8 लाख के सेल पर ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, मतलब 8 लाख का सेल हुआ तो नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। अब इमेजिन करो नेक्स्ट ईयर मेरा सेल्स 2 लाख से कम हो गया, करंट ईयर में सेल्स 10 लाख था, नेक्स्ट ईयर हमारा सेल्स 2 लाख से कम हो गया, मतलब नेक्स्ट ईयर हमारा सेल्स कितना है फिर? 8 लाख है, और 8 लाख तो ब्रेक इवन पॉइंट है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेक्स्ट ईयर हमारा सेल्स 2 लाख से कम हो जाता है, 2 लाख क्या था? एमओएस, यानी जितना एमओएस है उतना सेल्स अगर मेरा कम भी हो गया नेक्स्ट ईयर, तब भी मेरा लॉस नहीं होगा। मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल्स है जितना सेल्स अगर रिड्यूस भी हो जाए तो भी हमारा लॉस नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि इतना सेल कम हुआ मतलब अभी भी हमारा ये सेल्स तो हो ही रहा है, और ये सेल पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ठीक है। चल उसके बाद उसका हमने फॉर्मूला कल देखा था, एमओएस का एमओएस अमाउंट में फाइंड करना है तो प्रॉफिट बाय पीवीआर, एमओएस यूनिट्स में फाइंड करना है तो प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। चल तो अब हम लोग ये चार्ट देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखना, हाँ ये हमारा ग्राफ है, ब्रेक इवन पॉइंट को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे देखो, राइट। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ग्राफ का। एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट्स बताया है, क्वांटिटी, सेल्स का क्वांटिटी, सेल्स का या प्रोडक्शन का, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स वैल्यूज है, राइट, अमाउंट है, यहाँ ब्रैकेट में डॉलर लिखा है पर आप उसको रुपीज समझो, सेल्स रुपीज में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेल्स यूनिट्स में है और यहाँ पे सेल्स रुपीज में है, राइट। अब देखो
ध्यान से सुनना, अगर हमारा क्वांटिटी जीरो है यहां पर, देखो मेरा माउस पॉइंटर कहां पे है, यहां पे, मतलब मान लो अभी हमारा प्रोडक्शन सेल्स जीरो है, राइट? तो जीरो अगर है तब भी फिक्स कॉस्ट तो आएगा ही, क्योंकि फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता है ना, वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो आपका प्रोडक्शन जीरो है तब भी फिक्स कॉस्ट आएगा। देखो ये जो रेड लाइन है ना, ये फिक्स कॉस्ट की लाइन है, तो देखो जीरो अगर प्रोडक्शन है, सेल है, तब भी फिक्स कॉस्ट देखो यहां पे आया, समझो यहां पे 1 लाख रुपीज है फॉर एग्जाम्पल, राइट? अब प्रोडक्शन जैसे मेरा बढ़ेगा, मान लो मैंने 1000 यूनिट सेल किया तो यहां पर आ गया, तब भी देखो फिक्स कॉस्ट वहीं पे है 1 लाख रुपीज, राइट? अब सेल्स मेरा 10,000 यूनिट हो गया, तब भी फिक्स कॉस्ट देखो वहीं पे है 1 लाख, राइट? ये लाइन देखो पैरेलल है, इसका मतलब आपका प्रोडक्शन जितना भी बढ़ेगा फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, राइट? तो याद रखो ये हमारी फिक्स कॉस्ट की लाइन है जो पैरेलल होती है टू एक्स एक्सिस, ठीक है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होने वाला है, राइट? चल उसके बाद फिक्स कॉस्ट के ऊपर से देखो, यहां फिक्स कॉस्ट है, हाँ, फिक्स कॉस्ट के ऊपर से जो लाइन जा रही है क्या, ये वाली लाइन, ये टोटल कॉस्ट की लाइन है, राइट? टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के ऊपर से जो लाइन जा रही है ये टोटल कॉस्ट की लाइन है। टोटल कॉस्ट में आता है वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, इसका मतलब ये जो लाइन है इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है फिक्स कॉस्ट भी है। हाउ सो? तो देखो अगर यूनिट्स जीरो है तो 1 लाख अपना फिक्स कॉस्ट है, लेकिन यूनिट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो रहेगा ना। वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन प्रोडक्शन सेल्स के साथ है, जब प्रोडक्शन सेल्स जीरो है तो फिर वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो। तो कैन आई से कि अगर जीरो यूनिट्स है तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, क्योंकि जीरो यूनिट पे तो वेरिएबल कॉस्ट होगा ही नहीं, राइट? तो ये जो पॉइंट है, राइट, ये पॉइंट फिक्स कॉस्ट भी है टोटल कॉस्ट भी है, लेकिन जीरो यूनिट पे। जैसे मेरा यूनिट्स बढ़ रहा है, प्रोडक्शन सेल्स बढ़ रहा है, मान लो मैंने 1000 यूनिट सेल किया तो टोटल कॉस्ट की लाइन देखो यहां पे आ गई, ठीक है? टोटल कॉस्ट की लाइन यहां पे आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स कॉस्ट तो 1 लाख ही है, ये वाला जो पोर्शन है क्या, इतना ये वेरिएबल कॉस्ट है। ध्यान से देखो ये वाला पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट है, ये वाला पोर्शन फिक्स कॉस्ट है, यहां तक, यहां से यहां तक फिक्स कॉस्ट, यहां से यहां तक वेरिएबल कॉस्ट, मतलब ये जो पॉइंट है ये टोटल कॉस्ट हो गया। जैसे मेरा प्रोडक्शन और बढ़ेगा, सेल्स और बढ़ेगा, तो फिक्स कॉस्ट वहीं पे रहने वाला है 1 लाख पिच, वेरिएबल कॉस्ट देखो बढ़ रहा है, ये इतना पूरा वेरिएबल कॉस्ट है, राइट? तो ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, ये पूरा वेरिएबल कॉस्ट है। तो जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वेरिएबल कॉस्ट देखो बढ़ रहा है, ठीक है, राइट? तो पहले हमने फिक्स कॉस्ट देखा, फिक्स कॉस्ट की लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिक्स कॉस्ट के ऊपर से जो लाइन जा रही है वो टोटल कॉस्ट की लाइन है, राइट? चल अब जो जीरो से लाइन जा रही है, स्टार्ट हुआ जीरो से, ये सेल्स की लाइन है, टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब सेल्स का लाइन है, राइट? अब सेल्स का लाइन जीरो से स्टार्ट क्यों हुआ, तो जीरो से ही स्टार्ट होगा ना, अगर यूनिट जीरो है तो सेल्स भी जीरो रहेगा। यूनिट अगर 1 यूनिट का सेल हुआ तो फिर ये लाइन देखो डायगोनली जा रही है, मतलब जैसे जैसे हमारा क्वांटिटी सेल्स, सेल्स का यूनिट्स बढ़ता जाएगा ये लाइन देखो और ऊपर जा रही है, मतलब सेल्स हमारा बढ़ता जाएगा, राइट? तो ये फिक्स कॉस्ट की लाइन, फिक्स कॉस्ट के ऊपर से जो लाइन जा रही है वो टोटल कॉस्ट की लाइन, डायगोनल जा रही है, राइट? और जो जीरो से लाइन जा रही है वो सेल्स की लाइन है, राइट? तो अब देखो जिस पॉइंट पे सेल्स का लाइन और टोटल कॉस्ट का लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, दिख रहा है ये पॉइंट पे, इसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाई ब्रेक इवन पॉइंट? क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट सेम हो जाता है। आपको मालूम है, आपने पहले भी ग्राफ बनाया है, ग्राफ में जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है मतलब वहां पे वैल्यू सेम होती है, तो सेल्स का वैल्यू टोटल कॉस्ट का वैल्यू सेम आएगा इस पॉइंट पे, इसको मैं बोलूंगा ब्रेक इवन पॉइंट।
अब हमने कल देखा था ना कि ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में भी होता है और यूनिट्स में भी होता है, राइट। तो देखो यहां से यहां तक ये जो पॉइंट है क्या, यहां से यहां तक इतना, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है रुपीज में। और यहां से यहां तक जो पॉइंट है इतना, ये वाला, यहां से यहां तक, ये ब्रेक इवन यूनिट्स में है, ये ब्रेक इवन अमाउंट है और ये ब्रेक इवन यूनिट्स है, राइट। चलो अब देखना, अपना टोटल सेल्स यहां तक गया था, टोटल सेल्स का लाइन देखो यहां तक गया था, मतलब ये जो लाइन है इतना, ये हमारा टोटल सेल्स यूनिट्स हुआ यहां तक। यहां तक ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स यूनिट्स है, ये टोटल सेल्स यूनिट्स है, ये वाला इतना, राइट। ये टोटल सेल्स यूनिट्स है पूरी लाइन, और ये ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स है। तो टोटल सेल्स के यूनिट्स में से ब्रेक इवन पॉइंट के इतने यूनिट्स अगर माइनस कर देते हैं, तो सोचो ये जो यूनिट्स है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट के आगे के जो यूनिट्स है क्या, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स है, ठीक है। सिमिलरली ये टोटल सेल्स था अपना, तो यहां से यहां तक ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में था, तो ब्रेक इवन पॉइंट के आगे का जो वैल्यू है, ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इतना यहां से, तो इतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट पे ब्रेक इवन पॉइंट आया था, अब ब्रेक इवन पॉइंट पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है ना, इसका मतलब अगर हमारा सेल्स, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, हमारा सेल्स अगर ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जाता है तो हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट से आगे सेल हो गया, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टार्ट हो गया। जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टार्ट हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर हमारा सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जाता है, अगर हमारा सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट से भी आगे बढ़ जाता है, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आ जाता है, तो देखो ये हमारा प्रॉफिट होने वाला है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। और अगर हमारा सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट से कम है तो देखो लॉस है, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस, इफ सेल्स इज मोर देन ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट, इफ सेल्स इज लेस देन ब्रेक इवन पॉइंट देयर विल बी लॉस, ठीक है। चल अभी एक चीज समझना, ये जो अपना प्रॉफिट वाला एंगल है क्या, ये प्रॉफिट देखो, ये जो एंगल बन रहा है, एंगल है ना, कितना डिग्री होगा ये एंगल, अंदाजा 18-20 डिग्री होगा मेरा अंदाजा है, राइट। ये जो एंगल है 18 या 20 डिग्रीज का जो एंगल बन रहा है, राइट, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उस एंगल को कहा जाता है जो टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट के लाइन से बनता है, प्रॉफिट वाला जो एरिया है, राइट, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बड़ा होता है ना, जितना वाइड होता है, उतना प्रॉफिट हमारा ज्यादा होता है, राइट। तो मान लो लास्ट ईयर ये 20 डिग्रीज था और करंट ईयर में ये 25 डिग्री हो गया, इसका मतलब करंट ईयर में हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये था हमारा ब्रेक इवन चार्ट। जब भी एग्जाम में अगर थ्योरी क्वेश्चन आती है, राइट, या एक्सप्लेन ब्रेक इवन पॉइंट, तो आपने क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट को डिफाइन करना, उसके फॉर्मूलेज लिखना, और ये चार्ट भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। 3 से 4 मार्क्स के लिए आएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, अगर एमओएस पे थ्योरी आती है तो फिर एमओएस लिखो, डेफिनेशन फॉर्मूला लिखो, और उसके लिए भी ये चार्ट आप यूज कर सकते हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे थ्योरी क्वेश्चन आती है तब भी आप ये चार्ट बना सकते हो, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, अपने 7 पॉइंट्स हुए, हाँ 7 हमने डेफिनेशन देखे, शटडाउन पॉइंट अपन आगे देखेंगे और ये भी हम लोग आगे देखेंगे, राइट। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, राइट। तो मैंने क्या किया है, मार्जिनल कॉस्टिंग के अराउंड 50-60 क्वेश्चन अपने को करना है। मैंने क्या किया है, मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे क्वेश्चन को ना कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम्स की एक मैंने कैटेगरी बनाई है, इसके नाम पे मत जाना, बेसिक का मतलब ये मत समझो कि खाली ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कंसेप्ट वाले, नहीं, ये सारे क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आए हुए है, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, सी ए सी एम ए सी एस इंटर में आए हुए क्वेश्चन है, राइट। खाली मैंने इसको एक अलग कैटेगरी में डाला है बेसिक प्रॉब्लम्स के नाम से। तो बेसिक प्रॉब्लम्स के अराउंड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे,
29 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम चेंज इन अमाउंट वाले हैं, इसके अराउंड हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट इसके 3-1 क्वेश्चन करेंगे। इंडिफरेंस पॉइंट अलग कैटेगरी है, इसके 2-3 क्वेश्चन। मर्जिंग ऑफ प्लांट के 2 क्वेश्चन, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग, इस पर एक आधा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, राइट। तो सारे क्वेश्चंस को मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आपको ये कैटेगरीज याद रखना भी नहीं है। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बेसिक प्रॉब्लम्स का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट पीवीआर, बीपी एंड बीपी यूनिट्स, राइट। कैलकुलेट पीवीआर, बीपी सेल्स मतलब अमाउंट रहेगा, और बीपी का यूनिट्स हमको फाइंड करना है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। अब मेरे साथ साथ आपके रजिस्टर में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके पास है, जो मैंने क्लास में बुक दिया था, ये बुक का ही टॉपिक है, वही सारे क्वेश्चंस है अपने बुक के, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सोचो, वेरिएबल कॉस्ट 12 दिया है पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है 18। याद करो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सेल्स पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, है ना। तो स्टार्ट करो। फर्स्ट मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप उसको पूरा फुल फॉर्म लिखो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है, माइनस सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हाँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस है 18 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 12, इसका मतलब 6 रुपीज, 6 रुपीज पर यूनिट, ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, ठीक है। तो हमने फाइंड किया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पीवीआर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पीवीआर का फॉर्मूला, पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट। और मैंने बताया था ना कि कंट्रीब्यूशन टोटल है तो टोटल ले लो, पर यूनिट है तो पर यूनिट ले लो। हमारे पास पर यूनिट 6 रुपए है, पर यूनिट 6 रुपए है, 6 अपॉन 18 सेल्स है ना, 18 पर यूनिट इंटू 100, ये आना चाहिए 33.333%, राइट। 33.333% यानी, ठीक है, ये अपना पीवीआर आ गया, राइट। चलो फिर बीपी का अमाउंट फाइंड आउट करना है। बीपी का अमाउंट फाइंड करना है, बीपी रुपीस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवीआर, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, पूरा फुल फॉर्म लिखो। जब भी क्लास चालू होगी मैं चेक करूंगा सबकी बुक्स। हाँ, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर, फिक्स कॉस्ट देखो 60,000 दिया है, 60,000 को हम डिवाइड करेंगे 33.333%, राइट। तो आई थिंक 1,80,000 आएगा, जरा चेक करो एक बार। 60,000 डिवाइड बाय 33.333%, 1,80,000, राइट। 1,80,000 क्या रुपीस के यूनिट्स, रुपीस 1,80,000 रुपए, राइट। फिर देखो हमको बीपी यूनिट्स में लाना है, बीपी यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैं इसको सीपीयू बोलू चलेगा, सीपीयू, सीपीयू इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट इज 60,000 डिवाइड करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 आया था, तो 60,000 को 6 से डिवाइड करो तो 10,000 यूनिट्स आएगा, राइट। सिंपल है, ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड, सेकंड, ठीक है।
चलो अभी ना मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नंबर टू ट्राई करो, ठीक है, और फिर आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच करो, ठीक है। चलो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट बीपी यूनिट्स, बीपी यूनिट्स फाइंड करते, पहले पहले बीपी यूनिट्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बीपी यूनिट्स फाइंड करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लाना पड़ेगा ना, है ना। बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू, तो पहले सीपीयू लाना पड़ेगा, राइट। और एक चीज आप याद रखो, एग्जाम में दो चीजें, पीवीआर और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, नहीं भी बोला है तब भी आप कर लेना, क्योंकि वो काम में आएगा ही, ठीक है। चलो, तो बीपी यूनिट्स फाइंड करते हैं। बीपी यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इसके पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। सीपीयू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, हाँ, पर यूनिट लेना पड़ेगा ना, शॉर्ट में लिखू, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपका फुल फॉर्म लिखो, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सेलिंग प्राइस देखो 100 है, वेरिएबल कॉस्ट इज 75, ठीक है, 25 इज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। नाउ बीपी यूनिट्स हमको फाइंड आउट करना है, तो फिक्स कॉस्ट है 2,70,000, 2,70,000 को डिवाइड करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से 25 से, राइट। 2,70,000 डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया 10,800, 10,800 यूनिट्स, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बीपी यूनिट्स आ गया। अब हमको फाइंड करना है सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखेंगे, फाइंड द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट फाइंड करना है इफ बीपी इज ब्रॉट डाउन टू 9,000 यूनिट। अभी समझना, बीपी कितना है हमारा, 10,800 यूनिट है। क्वेश्चन में कंपनी ये चाहती है कि उनका बीपी कम हो जाए, कितना बीपी करना है उनको, 9,000 यूनिट करना है, बीपी कम करना है, राइट, 9,000 करना है। बीपी कम करने के लिए नया सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, क्वेश्चन ध्यान से समझना। अभी हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 100, सेलिंग प्राइस 100 है, बीपी यूनिट्स है 10,800, बीपी यूनिट्स 9,000 करना है, मतलब कम करना है, ठीक है, 9,000 तक हमको बीपी यूनिट लाना है, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना, ठीक है। तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमको बीपी यूनिट्स 9,000 लाना है, ठीक है, और इसके लिए हमको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। नाउ दिस इज अवर क्वेश्चन। अभी एक चीज समझो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी फाइंड करना होता है ना, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है प्रपोर्शनेट करके, प्रपोर्शनेटली वैल्यू लाना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इज द वर्स्ट वे है सॉल्व करने का, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं, सिर्फ वहां करना, बाकी किसी भी जगह पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो देखो, हमने ये इनकम स्टेटमेंट बनाया था, सेल्स 1 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 है एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज 40,000, ठीक है। तो अभी समझना, सपोज, ठीक है, तो देखो कहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेल्स अगर 1 लाख है और सपोज ये हमारा सी वाई है, सी वाई यानी करंट ईयर, ठीक है, और ये मैं नेक्स्ट ईयर का बना रहा हूं। सपोज सेल्स 1 लाख है और नेक्स्ट ईयर अगर सेल्स आपका 10% से इंक्रीज होता है, ठीक है,
अब सेल्स 1 लाख है, 10% से अगर मैं इंक्रीज करूं, ठीक है, तो +10%, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,10,000। 1 लाख करंट ईयर में सेल्स था, नेक्स्ट ईयर सेल्स 10% से बढ़ गया, 1,10,000, राइट। तो जब सेल्स 10% से बढ़ता है तो ध्यान रखना वेरिएबल कॉस्ट भी उतने ही परसेंटेज से बढ़ता है। जो 60,000 था वो बन जाएगा 66,000, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे कि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स 10% से बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट क्यों 10% से बढ़ रहा है? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो, अगर मैंने एक यूनिट सेल की है, ठीक है, तो वो एक यूनिट का सेल्स आएगा और एक यूनिट को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगा। अगर मैंने 2 यूनिट सेल की है तो सेल्स बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। एक यूनिट का जो सेल्स था वो 2 यूनिट का डबल हो जाएगा, तो 2 यूनिट को बनाने का वेरिएबल कॉस्ट भी तो दिखाना पड़ेगा ना। इसका मतलब जब नंबर ऑफ यूनिट्स आप ज्यादा प्रोड्यूस करते हो, ज्यादा सेल करते हो, तो सेल्स भी बढ़ता है और वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, क्योंकि उतने एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने का आपका वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ेगा ना, ठीक है। मान लो आपने एक कंप्यूटर बना के सेल किया 1 लाख में, तो एक कंप्यूटर बनाने का 60,000 खर्चा भी आएगा। 2 कंप्यूटर सेल करेंगे तो 2 लाख का सेल होगा, तो 2 कंप्यूटर का 1,20,000 वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। इसका मतलब सेल्स जितने परसेंटेज से बढ़ेगा, जब मैं सेल्स बोलता हूं ना तो यूनिट समझना, आई रिपीट, जब मैं ये बोल रहा हूं कि सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो आपने समझना मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं, राइट। तो जब यूनिट्स 10% से बढ़ेंगे तो सेल्स बढ़ेगा, उतने ही परसेंटेज से वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतने ही परसेंटेज से बढ़ता है। तो देख लो, 40,000 था कॉन्ट्रीब्यूशन, 44,000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सोचो, यूनिट्स अगर चेंज होती है तो फिक्स कॉस्ट चेंज होता है क्या? नहीं होता, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगा ना। नाम उसको नाम दिया गया है, फिक्स कॉस्ट को नाम ही ये दिया गया है भाई, तो हमेशा फिक्स रहने वाला है, राइट। ये कुछ चेंज होना नहीं है, तो जितना है उतना ही रहना। अपने आप को बढ़ाना भी नहीं, अपने आप को कम भी नहीं करना, राइट। प्रॉफिट कितना होगा? 44,000 में से 30,000 माइनस किया तो 14,000 का प्रॉफिट होगा। अब एक चीज समझो, पहले 3 अमाउंट, राइट, ये पहले 3 अमाउंट, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 1 लाख सेल्स है तो वेरिएबल कॉस्ट 60,000 है, तो 1,10,000 का वेरिएबल कॉस्ट कितना? 66,000, ठीक है। 1 लाख सेल्स है तो कंट्रीब्यूशन 40,000, तो 1,10,000 के लिए कंट्रीब्यूशन कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 44,000। वेरिएबल कॉस्ट 60,000 है तो कंट्रीब्यूशन 40,000 है, तो 66,000 के लिए कितना ये आ जाएगा, राइट। ये तीनों को आप कैसे भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू ला सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तभी होता है जब सेम परसेंटेज से चीजें चेंज होती है। आई रिपीट, क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब वो वैल्यू सेम परसेंटेज से चेंज होती है, ठीक है। ये यहां पे क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होने वाला है, राइट, और फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है, प्रॉफिट डिफरेंट परसेंटेज से चेंज होगा। देखो, फिक्स कॉस्ट 0% से चेंज हुआ, मतलब चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आपका 40% से चेंज हो रहा है, 10,000, 40% बढ़ाओ तो 14,000 हो जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि पहले 3 अमाउंट का परसेंटेज चेंज सेम होता है, तो ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। याद रखो, मार्जिनल कॉस्टिंग में ये 3 के अलावा और कभी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, ठीक है। चलो आंसर पे आ जाओ। आंसर में तो क्वेश्चन हमारा ये है, ब्रेक इवन पॉइंट 9,000 यूनिट। अभी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 10,800 यूनिट था, हमको उसको कम करके लाना है 9,000 पे, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? सबसे पहले तो ये समझो कि ब्रेक इवन पॉइंट कम क्यों करना। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट कम होना अच्छा कि ज्यादा होना अच्छा? तो ब्रेक इवन पॉइंट जितना कम रहेगा उतना अच्छा। ये ग्राफ देखो अपना, यहां ब्रेक इवन पॉइंट आया, ब्रेक इवन पॉइंट आने के बाद हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हुआ ना। अगर ये ब्रेक इवन पॉइंट यहां पे आ गया होता तो,
कम, इससे कम कर रहा हूं मैं, तो क्या होता था, वहां से हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होता था, राइट। इसका मतलब बहुत सिंपल है, बीपी जितना कम उतना अच्छा, क्योंकि बीपी तक तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, बीपी के बाद ही हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो बीपी जितना कम उतना अच्छा। ना अब बीपी अपने को 10,800 था, उसको अपने को कम करके लाना है, कितना लाना है, 9,000 तक लाना है, तो सेलिंग प्राइस हमको बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमारी सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो क्या करेंगे सोचो, हम लोग क्या करेंगे, बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला क्यों यूज करना है, तो देखो बहुत सिंपल है, बीपी यूनिट्स के फॉर्मूले में बीपी यूनिट्स भी आएगा और सेलिंग प्राइस भी आएगा, दोनों आएंगे, ठीक है। तो देखो बीपी यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा मेरे को बताओ अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला है, ठीक है। एक काम करते ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सीपीयू, ठीक है। चलो अब देखो कैसे करेंगे इसको, बीपी यूनिट्स हमको चाहिए 9,000, ठीक है। तो बीपी यूनिट के नीचे 9,000 लिख लेंगे। हमारे पास फिक्स कॉस्ट देखो कितना है, फिक्स कॉस्ट है 2,70,000, राइट। अब देखो सीपीयू चेंज हो जाएगा, अपना सीपीयू कितना आया था, 25 आया था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25 आया था, अब हमारा सीपीयू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो नया नया सीपीयू, सीपीयू यानी कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट नया फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, देखो 2,70,000 को डिवाइड करेंगे 9,000 से, तो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 9,000 करेंगे तो सीपीयू आना चाहिए कितना, 30 रुपीज। 2,70,000 डिवाइड बाय 9,000, तो सीपीयू अपना 30 आना चाहिए। तो पहले अपना सीपीयू 25 था, अब हमारा सीपीयू कितना आ रहा है, सीपीयू कितना आ रहा है, 30 रुपीज आ रहा है, राइट। तो अब देखना इसमें से हमको फाइंड क्या करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नया कितना आया हमारा, 30 आया, ठीक है। हमको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, एकदम ध्यान से देखो, ये हमारा सीपीयू का फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, ये 30 मिला, वेरिएबल कॉस्ट तो 75 है, ये चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा है, सेलिंग प्राइस नया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में यहाँ पे 30 वैल्यू डाल देंगे, ये फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे 75 वैल्यू डाल दो, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, ये माइनस वेरिएबल कॉस्ट राइट में आके प्लस वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। तो अपना वेरिएबल कॉस्ट 75 है और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 30 आया, यानी सेलिंग प्राइस विल बी 105, राइट। आपको एक बार चेक करना है ना, तो आप चेक कर सकते हो, क्या चेक करने का बोल रहा हूं मैं, सेलिंग प्राइस देखो यहां पे सेलिंग प्राइस 105 हो गई, वेरिएबल कॉस्ट 75 है, माइनस करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 30 आ जाएगा, ठीक है। बीपी यूनिट्स फाइंड करना है, तो बीपी यूनिट्स के लिए फिक्स कॉस्ट 2,70,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 30, 2,70,000 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 9,000 यूनिट्स अपना बीपी यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन फिर से एक बार देखो, फाइंड द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ बीपी इज ब्रॉड डाउन टू 9,000 यूनिट, राइट। तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 105 रुपये, ठीक है। तो पहले दो क्वेश्चन हुए हमारे,
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को पेंडिंग रखो, इसको हम बाद में करेंगे। तो जो जो क्वेश्चन हो गया उसको मुझे मार्क करना पड़ेगा ना, तो मैं बोल्ड कर लूँ, मतलब ये अपने सारे क्वेश्चंस हो गए, ये हो गया, नहीं ये सारे बोल्ड हैं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बाद में करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 4 देखना, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। इतना ही है, अ कंपनी हैज फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹90,000, सेल्स ऑफ ₹3 लाख एंड प्रॉफिट ऑफ ₹60,000, ठीक है। रिक्वायर्ड, देखो क्या क्या दिया हुआ है, एक बार क्या क्या दिया है रीड करो, क्या क्या दिया है। फिक्स कॉस्ट 90,000 है, सेल्स 3 लाख है और प्रॉफिट 60,000 है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं क्या, देखो ये स्टेटमेंट बना के स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चल तो देखो, सेल्स 3 लाख है, मैं काम करता हूं, ये टेबल कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। काम सेल्स है 3 लाख, ठीक है। उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस करना पड़ेगा, देखो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। फिक्स कॉस्ट दिया है 90,000 और प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 60,000, राइट। ये हमारा प्रॉफिट है, राइट। नाउ एंड दिस इज कंट्रीब्यूशन। अब देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों प्लस कर लो तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, 90 प्लस 60 करेंगे तो 1,50,000 कंट्रीब्यूशन आ गया, और सेल्स और कंट्रीब्यूशन का जो डिफरेंस रहेगा वो आ गया वेरिएबल का, राइट। ये मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बनाने का ये फायदा है कि यहाँ पे हमको बहुत सारी मिसिंग अमाउंट मिल जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट मिसिंग था मिल गया, कंट्रीब्यूशन मिल गया, और ये दो चीजें मिल गई हमको, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, अब स्टार्ट करते हैं। रिक्वायर्ड फर्स्ट देखना, सेल्स वॉल्यूम इफ इन द नेक्स्ट पीरियड द कंपनी सफर्ड लॉस ऑफ ₹30,000, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनो क्या क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हमको बोला है सेल्स फाइंड आउट करो, क्वेश्चन मार्क डाल दूं मैं इसको, ठीक है। और लॉस कितना हुआ, नहीं सेल्स दिया है क्या, नहीं लॉस, सेल्स फाइंड करना है, लॉस दिया है 30,000, ठीक है। देखो 3 लाख का सेल था तो 60,000 का प्रॉफिट हुआ। अब एक चीज समझो, प्रॉफिट हुआ ना 3 लाख के सेल पे, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ इसका मतलब आपने ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस कर लिया है। देखो ब्रेक इवन पॉइंट पे अगर सेल्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट जितना है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और ब्रेक इवन पॉइंट को सेल्स ने क्रॉस कर लिया है, मतलब हमारी सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट से आगे चली गई है तो प्रॉफिट होने वाला है, ब्रेक इवन पॉइंट से कम सेल्स है तो वो सेल पे लॉस होने वाला है। अभी हमारा प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन में देखो 60,000 प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट क्या इंडिकेट करता है कि हमने ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर लिया है, ठीक है। तो 3 लाख के सेल पे प्रॉफिट हुआ 60,000, हमको बोल रहा है कि 30,000 का अगर लॉस हुआ तो सेल कितना, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की सोचना भी मत, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर माइंड में आ रहा होगा तो सोचो भी मत, मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ ये 3 अमाउंट का हो सकता, सेल वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, और किसी का भी नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, देखो अपना इक्वेशन यूज करो,
इक्वेशन, इक्वेशन क्या है देखो, सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ना। मैंने बताया था अगर लॉस है तो फिर फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस करना, यानी अब हमको यहां पर क्या इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। ठीक है, ये इक्वेशन यूज करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग। हाँ, सेल्स इंटू पीवीआर इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। ठीक है, सेल्स हमको फाइंड करना है तो इसलिए मैं उसको वैसे लिख लेता हूं सेल्स। ठीक है, और पीवीआर, पीवीआर फाइंड करना पड़ेगा ना हमको, तो पहले पीवीआर फाइंड कर लो। पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक है, मैंने बताया था ना पीवीआर फाइंड कर ही लेना, क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं पूछा है। तो 1,50,000 कॉन्ट्रीब्यूशन है, सेल्स देखो 3 लाख है, इंटू 100 किया। ठीक है, इसको नीचे करता हूँ तो कितना 50% आ रहा है। कैलकुलेट करते जाओ मेरे साथ साथ, मेरे से पहले कर लो कैलकुलेट। ठीक है, 50% आ रहा है। चल तो सेल्स इंटू पीवीआर 50% इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, देखो अपना कितना है 90,000 है क्या, 90,000 माइनस लॉस क्वेश्चन में जो दिया है वो लो, राइट। क्वेश्चन में लॉस कितना बोला है, 30,000 बोला है, तो लॉस 30,000 माइनस करना, प्रॉफिट रहेगा तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, लॉस रहेगा तो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, राइट। चल अब बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे देखो, 90 माइनस 30 यानी 60,000 कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, 60,000 को 50% से डिवाइड कर लो तो सेल्स आ जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 50% इज इक्वल टू 1,20,000। ठीक है, इसका मतलब अगर 1,20,000 का सेल्स अगर होता है तो फिर लॉस कितना होगा, 30,000 का लॉस होगा। ठीक है, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर अ प्रॉफिट ऑफ ₹90,000। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी वर्ड आपने सुना, जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी वर्ड सुना, आपके माइंड में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इक्वेशन आना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इक्वेशन ये वाला आना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है देखना, क्वेश्चन में व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी एमओएस फाइंड करना है और प्रॉफिट 90,000 दिया है। ठीक है, अपना क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, एमओएस इंटू पीवीआर इज इक्वल टू प्रॉफिट, एमओएस फाइंड करना है, पीवीआर 50% है और प्रॉफिट दिया है 90,000 का, प्रॉफिट ले लेंगे 90,000। ठीक है, देयरफॉर एमओएस इज इक्वल टू 90,000 को 50% से डिवाइड करेंगे 1,80,000 आएगा। इसका मतलब अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1,80,000 का है तो हमारा प्रॉफिट आएगा 90,000। मतलब ये कौन सा वाला एरिया है, ये ब्रेक इवन पॉइंट के आगे का जो सेल्स है क्या, यहां से आगे का सेल्स कितना होना चाहिए, 1,80,000 का होना चाहिए, राइट। तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा, कहाँ गया, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा 90,000। ठीक चल राइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखो, अ कंपनी प्रोड्यूसेस सिंगल प्रोडक्ट, अ कंपनी प्रोड्यूसेस सिंगल प्रोडक्ट विच सेल्स फॉर ₹20 पर यूनिट। मतलब एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 20 है, वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का 15 है, राइट। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा
सीपीयू आ जाएगा 5 रुपीज, फिक्स कॉस्ट है 6,30,000। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमको करना क्या है, फर्स्ट कैलकुलेट सेल्स वैल्यू नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो पहले ये कंप्लीट करते हैं, कैलकुलेट सेल्स वैल्यू नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले सीपीयू फाइंड कर लेना, सीपीयू इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो देखो सेलिंग प्राइस है 20, वेरिएबल कॉस्ट है 15 एंड कंट्रीब्यूशन इज रुपीज 5 पर यूनिट, ठीक है। अच्छा पीवीआर फाइंड कर लेते, पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन 5 अपॉन सेल्स 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 25% आ रहेगा। देखो तो फटाफट चेक करो, 25% आ रहेगा, ठीक है। तो पीवीआर आ गया 25%। नाउ अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले समझना, सेल्स वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं यहां लिख लेता हूं सेल्स वैल्यू, यानी सेल्स की अमाउंट फाइंड करनी है, और प्रॉफिट हमको चाहिए 10% ऑफ, ठीक है। देखो जब भी क्वेश्चन में सेल्स दिया है प्रॉफिट फाइंड करना है, या प्रॉफिट दिया है सेल्स फाइंड करना है, फिर से सुनो, सेल्स दिया है प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट दिया है सेल्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे, मैंने पहले बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश भी मत करना, सोचना भी मत, ठीक है। ऐसे करेंगे सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स दिया है तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट दिया है तो सेल आ जाएगा, राइट। यहाँ इक्वेशन देखो, ये हमने क्वेश्चन किया था, इलस्ट्रेशन याद है, सेल्स दिया है प्रॉफिट फाइंड करना है, या प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे देखो 150,000 प्रॉफिट दिया था और सेल्स फाइंड करना है। हमने सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यूज किया था, ठीक है। अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखा है, क्लास 1 का वीडियो नहीं देखा है, तो पहले वो देखो, ठीक है। डायरेक्टली क्लास 2 पे जंप नहीं करना, कुछ भी समझेगा नहीं, ठीक है। और ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, नॉलेज है, बांटेंगे तो और बढ़ेगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं, हाँ आ जाओ, सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस पी प्रॉफिट, ठीक है। सेल्स फाइंड करना है इनटू पीवीआर 25% है, ठीक है। इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है क्या, देखो तो दिया है ना 6,30,000, 6,30,000 दिया है, राइट, प्लस पी, राइट। अब सोचो पी यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट का अमाउंट दिया है क्या, नहीं दिया है, राइट। प्रॉफिट कितना चाहिए वो बोल रहा है 10% ऑफ सेल्स। एकदम ध्यान से सुनना, मैं इसको एकदम अच्छे से बताता हूँ, प्रॉफिट 10% ऑफ सेल्स हमको चाहिए, पर क्वेश्चन में सेल्स तो दिया नहीं है, देखो आप सेल्स तो क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है। तो प्रॉफिट 10% ऑफ सेल्स चाहिए, तो कौन से सेल का 10% चाहिए, प्रॉफिट 10% चाहिए, ये बात बराबर है, पर कौन से सेल का 10%, ठीक है। तो जो सेल्स हम फाइंड करने वाले हैं, देखो मैंने यहां क्वेश्चन मार्क डाला है ना, जो सेल्स हम फाइंड करेंगे, यहां पे हम सेल्स फाइंड कर रहे हैं ना, तो जो सेल्स हम फाइंड कर रहे हैं उसका 10% प्रॉफिट हमको मिलना चाहिए। यानी जो भी सेल्स आप निकालो, जो सेल्स आएगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करके, प्रॉफिट उस सेल का 10% आना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, जैसे प्रॉफिट बोला है वैसे लिख लेंगे, प्रॉफिट क्या बोला है, P इज इक्वल टू क्या है 10% ऑफ सेल ना, तो लिख लो 10% ऑफ सेल्स, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड में सेल्स इनटू 25% है, मतलब 25% ऑफ सेल्स है, और राइट साइड में 10% ऑफ सेल्स है। लेफ्ट साइड में 25% ऑफ सेल्स, राइट साइड में 10% ऑफ सेल्स। तो देखो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं क्या, 25% सेल्स में से 10% ऑफ सेल्स माइनस कर दो,
ऑफ का मतलब यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन है, ये भी ऑफ है राइट। तो 25% ऑफ सेल में से 10% ऑफ सेल अगर माइनस कर देंगे तो लेफ्ट साइड में बचेगा 15% ऑफ सेल्स। ठीक है, 25% में से मैंने 10% माइनस कर दिया इसको, ये इसको मैंने लेफ्ट में ले लिया राइट, और यहां से माइनस कर दिया तो लेफ्ट में बचा 15% ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 6,30,000 राइट। अब तो और सिंपल हो गया आंसर हमारा, सेल्स इज इक्वल टू 6,30,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 15% से। ठीक है, 6,30,000 डिवाइड बाय 15%, 42 लाख रुपीस आता है क्या? देखो 42 लाख रुपीस आना चाहिए राइट। तो अब देखो समझो, पहले क्वेश्चन समझो, अगर 42 लाख रुपीस का सेल्स होता है, अगर सेल्स होता है 42 लाख रुपीस का राइट, तो इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट आएगा, देखो सेल्स अगर 42 लाख का हुआ तो हमारा प्रॉफिट आएगा 10% ऑफ सेल्स। तो कौन सा सेल्स? जो हमने फाइंड आउट किया, तो हमने फाइंड किया 42 लाख। तो अगर सेल्स 42 लाख का होगा तो प्रॉफिट आएगा 10% ऑफ 42 लाख, यानी इसका 10%, इसका 10% निकालो, 4,20,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा। अगर 42 लाख का सेल हुआ तो प्रॉफिट आएगा 4,20,000 का राइट। आपको चेक करना है कि आएगा उतना प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करना है। तो ये इक्वेशन यूज करो, एग्जाम में करना नहीं है, आपके संतुष्टि के लिए बता रहा हूं, आपके आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, सेल्स 42 लाख, पीवीआर 25%, फिक्स कॉस्ट ले लो 6,30,000, और यहाँ पे पी लिख लो, पी फाइंड करो, ये पी आप चेक करना, आपका 4,20,000 आएगा। ठीक है चलो, तो फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड, कैलकुलेट सेल्स प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग बीपी डाउन टू 1,20,000 यूनिट राइट। नाउ दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, क्यों होमवर्क? क्योंकि ऐसा ही मैंने आपको यहां पे कराया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, क्वेश्चन नंबर 4 में सेल्स वॉल्यूम इन द नेक्स्ट पीरियड, नहीं ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, कहाँ था? क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, फाइंड द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ बीपी इज ब्रॉट डाउन टू 9,000 यूनिट। ठीक है, देखो वैसा ही है, कैलकुलेट सेल्स प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग बीपी डाउन टू 1,20,000 यूनिट। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, ये आपको होमवर्क करना है, सी बता रहा हूं मैं। ठीक है, चेक करो, सी कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इफ प्रॉफिट इज 60,000, ये भी मैं होमवर्क दे रहा हूं। देखो ये भी हमने यहां किया था, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 90,000। ठीक है, ये वैसा ही है, इसको भी होमवर्क करना। ठीक है, ये दो मैंने होमवर्क दिए हैं। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कंपनी इज गिवन बिलो। सेल्स दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेते क्या? ठीक है, तो मेरे साथ साथ इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करो। और थोड़ा सा फास्ट हो रहा है या थोड़ा सा स्लो हो रहा है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे वैलिड नहीं है ना, क्लास में जब हम करते हैं तो मैं क्लास में पूछता हूँ फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है, अभी यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो यहाँ पे फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है ये हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर आपको लगता है बहुत स्लो जा रहा है तो आप अपनी वीडियो में स्पीड बढ़ा लो, आपको लगता है स्लो हो रहा है तो स्पीड बढ़ा लो, आपको लगता है फास्ट हो रहा है तो थोड़ा सा स्लो कर लो। ठीक है, अगर डाउट है तो बताना, मैं डाउट सारे क्लियर करूंगा। चल आगे बढ़ते हैं, सेल्स देखो 4 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे 2,50,000। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आएगा 1,50,000, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे कितना, 4 लाख नहीं कितना, 1,80,000 माइनस 1,80,000 राइट।
150 में से, 150 कंट्रीब्यूशन में से 180 अगर माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, राइट? 30,000 का लॉस आएगा, देखो, राइट? देयर विल बी लॉस ऑफ, मैं माइनस डाल देता हूँ, ठीक है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, 30,000 का लॉस आ जाएगा। अब सोचो 30,000 का लॉस आ रहा है, इसका मतलब हमने ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस ही नहीं किया है अभी। ब्रेक इवन पॉइंट पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, अभी लॉस हो रहा है, मतलब हम लोग ये वाले एरिया में हैं, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से कम सेल्स हमारा हो रहा है, यहाँ पे सेल्स है हमारा कहीं तो भी, ठीक है, इसका मतलब अभी तक ब्रेक इवन पॉइंट आया ही नहीं। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो समझ जाना कि ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, आपने ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर लिया, और अगर लॉस हो रहा है तो समझना कि आपने अभी ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस नहीं किया है, राइट? चलो तो देखो क्वेश्चन पढ़ना क्या है। असर्टेन हाउ मच द वैल्यू ऑफ सेल्स मस्ट बी इंक्रीज्ड फॉर द कंपनी टू ब्रेक इवन। देखो अभी हमारा सेल्स 4 लाख का है, राइट? और ये सेल्स क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो 4 लाख का सेल है वो ब्रेक इवन पॉइंट से कम है, यहां पर कहीं सेल है, ठीक है। अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट पे आना है तो मुझे सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, सेल्स इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट? तो क्वेश्चन देखो वही है हमारा, क्वेश्चन क्या है, असर्टेन हाउ मच द वैल्यू ऑफ सेल्स मस्ट बी इंक्रीज, कितना सेल्स बढ़ाना है फॉर द कंपनी टू ब्रेक इवन, मतलब ब्रेक इवन तक आने के लिए कितना सेल्स हमको बढ़ाना पड़ेगा, राइट? तो कैसे करेंगे बताओ, सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, तो फिक्स कॉस्ट है 180,000। अच्छा पीवीआर फाइंड करना पड़ेगा, मैंने बताया था ना पीवीआर फाइंड कर ही लेना, ये हमको लगेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो कंट्रीब्यूशन आया था 150,000, सेल्स 4 लाख इनटू 100, राइट? 1,50,000 बाय 4 लाख इंटू 100 करो, 37.5% आना चाहिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, राइट? बीईपी फाइंड करना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 37.5% इज इक्वल टू, देखो कितना होता है, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 37.5%, 4,80,000 4,80,000 रुपीस आएगा, राइट? इसका मतलब अगर 4,80,000 रुपीस का सेल्स होता है, 4,80,000 रुपीस का सेल्स होता है तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। देखो हमारा सेल्स अभी यहां पे है 4,80,000 का सेल्स, ये पॉइंट पे सेल कितना होगा 4,80,000 का, अभी हमारा सेल्स यहां पे कहीं है 4 लाख, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हमको सेल्स कितने से इंक्रीज करना है सो एज टू ब्रेक इवन, तो सिंपल अभी 4 लाख का सेल है, 80,000 से सेल्स आपको बढ़ाना पड़ेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, राइट? 4 लाख का सेल्स है मेरा अभी, ब्रेक इवन पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे आना है तो 4,80,000 का सेल होना चाहिए, राइट? तो अपना आंसर सेल्स मस्ट बी इंक्रीज by 80,000 so as to break even. Break even मतलब no profit, no loss लाने के लिए हमको हमारा sales 80,000 से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो मैं क्लास आज एंड कर रहा हूं और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका होमवर्क है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। और यहां से मैंने ये दो एक एक इंडिविजुअल दिया था बी और सी, ये भी आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो ए बी सी डी ई, राइट, 5 अलग अलग क्वेश्चंस है, आपस में इनके कोई रिलेशन नहीं है, ये पांचों क्वेश्चन को आपको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है, ठीक है। और जरा भी शॉर्टकट मत यूज करना, मेरे को सब मालूम पड़ जाएगा अगर शॉर्टकट यूज किया है तो, ठीक है, शॉर्टकट मत यूज करना, सारे फुल फॉर्म लिखना, हाँ एकदम सिस्टमेटिकली सॉल्व करना, ठीक है। चलो तो कल मिलते हैं, राइट,
और वीडियो पूरा अच्छे से देखना, एट वन गो देख लेना, ब्रेक्स नहीं लेना बीच बीच में, ठीक है? बहुत इमरजेंसी है तो ब्रेक ले लो, ठीक है? अदरवाइज कंटिन्यू देखो इसको और आपके नोट्स बनाओ। और यहां पर ये फॉर्मूले की लिस्ट मैंने बनाई है, ये फॉर्मूले की लिस्ट, आपने जो फॉर्मूले की लिस्ट बनाई है एक बार वो भी देख लो और इसके साथ मैच कर लो, ठीक है? और मैंने बताया है 3-4 पेजेस आपको छोड़ देना है सिर्फ फॉर्मूलेज एंड इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए, वहीं पे हम सारे फॉर्मूलेज लिखेंगे, राइट? तो जो ये मैंने किया है ये आप कॉपी कर लो। आज मैं क्या करूंगा, ये फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है? चलो, थैंक यू एंड टेक केयर।